तो इसमें लोग बात करने वाले अंडर 15 के कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर यूजर परेशान होते हैं। मार्केट में जब कोई भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग कंपनी की तरफ से अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको अलग अलग उसमें क्वालिटी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा और प्राइज आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट फ़ोन सेलेक्ट करना बहुत यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15 के, क्योंकि उसमें आपको यहाँ पर बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, रैम वह सभी यहाँ पर बेस्ट चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कभी कभी कैमरे की जरूरत पड़े या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पर लेना चाहते हैं उसके लिए बाय करें या फिर मान लीजिए डे टू डे यूज़ के लिए आप यहाँ पर बैटरी लाइफ भी अच्छा खासा चाहिए, तो उसके लिए आपको अलग अलग ब्रांड विजिट करके उसमें से सेलेक्ट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, सिंपली आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा नार्जो 50 भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर जो कि डिस्प्ले होता है, बैटरी होता है और जो कि आपका यहाँ पर कैमरा क्वालिटी होता है वो सभी आपको बेटर देखने के लिए मिलेगा। यदि मान लीजिए आप रेडमी की तरफ जाएंगे तो उसमें कैमरा क्वालिटी आपको लो देखने के लिए मिलेगा और प्रोसेसर अच्छा देखने के लिए मिलेगा और ओवरऑल जो कि सॉफ्टवेयर होता है जब कभी भी आप यार सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो जो कि आपका फ़ोन होता है वो हैंग कर देता है और उसमें बहुत सारा बग भी आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इवन जो कि आपका यहाँ पर मोटरोला की तरफ जाएंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्रोसेसर अच्छा खासा, लेकिन कैमरा क्वालिटी उतना बेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो कि आपका सॉफ्टवेयर होता है, जी हाँ दोस्तों, तो मोटरोला में आपको एक स्टॉक एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें आपको कोई भी आपको ब्लडवेयर देखने के लिए नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, तो यदि मान लीजिए आप सैमसंग की तरफ जाएंगे तो उसमें भी जो कि आपका स्मार्टफोन होता है यहाँ पर साल भर या फिर 6 महीने यूज़ करेंगे तो उसमें आपको हीटिंग या फिर हैंग लग जैसे प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर हमने रियलमी को यूज़ किया, उसका बैटरी लाइफ भी आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी तो यहाँ पर बैकअप अच्छा खासा देता है और फास्ट चार्जिंग का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और कैमरा क्वालिटी आपको यहाँ पर फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है जिससे आप यहाँ पर 1080p 30fps पर बहुत ही ईजिली तरीके से यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपका प्रोसेसर अच्छा खासा रहता है तो आप उसे 1080p 30fps 60fps पर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बैक में आप यहाँ पर 4K 30fps पर बहुत ही आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो कि अब स्मार्टफोन है आपके लिए बेस्ट ना हो, तो सिंपली आप इसे बाय करने से पहले जहाँ से आप यहाँ पर बाय करें उसका यहाँ पर रिव्यू चेक कर लीजिए, रेटिंग कैसा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपके लिए यहाँ पर परफेक्ट ना हो। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर हल्का फुल्का गेमिंग और आप डे टू डे लाइफ यूज के लिए ले रहे हैं तो यह स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्मार्टफोन होगा, क्योंकि गेमिंग भी इसमें आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 6GB रैम है और 128GB स्टोरेज है तो आपको परफॉर्मेंस बेटर से बेटर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।